श्री कृष्ण ने मधुरता दिखेरी, वो बड़े मधुरता से बांसुरी जब बजाते थे तो जानवर भी उनकी बांसुरी सुन के आते थे और गोपियां तो आती ही थी। उन्होंने विनम्रता के साथ झुकके रहे हमेशा। श्री कृष्ण जी ने कभी भी नहीं कहा मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूं, जब तक विराट रूप नहीं आया उनका, जब तक शिशुपाल ने इतनी बेइज्जती नहीं करी, बदतमीजी नहीं करी, तब तक वो सामने नहीं आए। जब धर्म का अनाचार होना था तब जाके उन्होंने विराट रूप धारण किया था धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन पूरा जीवन श्री कृष्ण जी बड़े विनम्र होकर रहे, कौरवों से जाके निवेदन करते रहे, एक कौरवों लड़ाई मत करो महाविनाश होगा, सबको समझाते रहे, लेकिन बड़ी विनम्रता दिखाई। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कंठ में अपना स्थान बनाया है। महागणेश जन्म लेके आए, महागणेश का दूसरा नाम था जीसस क्राइस्ट। ईसाइयों के जो भगवान थे जीसस, वो यहां पर आकर बैठे मैरी के साथ, मां मैरी जो स्वयं आदिशक्ति का रूप थी। तो यहां पे ये शक्ति है, कंठ हमें माधुर्य देता है तो ये हमें क्षमाशीलता सिखाती है, ये शक्ति हमें क्षमाशील बनाती है। जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़कर सारे लोगों को ये सिखा के गए कि ये परमात्मा के नाम पर सबको क्षमा कर दो, तुम सब परमात्मा के बच्चे हो, एक दूसरे को हथियार से मत मारो, क्योंकि जीसस के आने से पहले कोई किसी को छोड़ता नहीं था, मार ही डालते थे। श्री कृष्ण जी तक ने पूरा संघार किया, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने आगे क्षमा की शक्ति संसार को दी और लोगों को क्षमा करना सिखाया। वो श्री गणेश जी के ही अवतार थे, महागणेश कहलाते हैं। उन्होंने मस्तक पर रहना स्वीकार किया और सर के ऊपर जो शक्ति है ये हमें भगवान से जोड़ती है, परम शक्ति से जोड़ती है, यानी कि हमारे पिता शिव से जोड़ती है। और इस शक्ति का जो केंद्र है इसको सहस्त्रार बोलते हैं, सहस्त्रार इसके नाम से ही जाहिर है। लगभग 1000 नाड़ियां इस वाले जो तालू होता है बच्चों का मुलायम हिस्सा, इस छोटे से हिस्से में लगभग 1000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं। और 1000 नाड़ियां क्यों है, क्योंकि देवी मां ने 1000 रूप में जन्म लिया है, आदि शक्ति के 1000 रूप हैं। शैलपुत्री से लेकर आज तक 1000 रूपों में देवी मां आई है और 1000 नाड़ियां हमारे अंदर है, यानी कि हर नाड़ी एक आदिशक्ति के अवतार को प्रतिनिधि करती है, एक आदिशक्ति के अवतार का शक्तियां हमारे अंदर छोड़ने के लिए बनाई गई है। और ये है आदिशक्ति मां का स्थान, जो शिव की पहली शक्ति थी, शिव की इच्छा थी, जिनकी इच्छा से संसार का निर्माण हुआ। तो ये शक्ति हमारे सर के ऊपर बैठी है और शिव भी इसके साथ बैठे हैं। ये सर जो है ये साक्षात हिमालय है हमारा, हिमालय जैसे दिखाया जाता है कैलेंडर में कि भोलेनाथ हिमालय पे बैठे तपस्या कर रहे हैं, हां भोलेनाथ यहां बैठे हैं। इसीलिए जब भी आपका योग होता है तो आपका ये हिस्सा ठंडा हो जाता है, यानी कि शिव उपस्थित हो जाते हैं और उपस्थिति के साथ उस हिमालय के अंदर ठंडक की अनुभूति होती है, यानी कि सर पे ठंडक आती है। तो ये प्रमाण है उन सारी देवी शक्तियों का। जहां जहां मैंने जिन जिन शक्तियों के बारे में बताया है, जब हमारे भीतर ये हलचल होती है, इन इन चक्रों के अंदर इन शक्ति केंद्रों में हलचल होती है, जिससे हमें यह पता लगता है कि अब श्री कृष्ण जी आ गए हैं या श्री कृष्ण जी सोए थे अब जाग गए। गले यहां महावीर जी आपके गांव के पास में स्थान है, श्री महावीर जी दाएं कनपटी में बैठे हैं, जिन्होंने विरक्ति को अपनाकर संसार में ज्ञान दिया। तो ये सारे के सारे शक्तियां, सारे अवतरण हमारे अंदर बैठे और सातों नौ के नौ ग्रह हमारे अंदर हैं। पहला ग्रह मंगल ग्रह जो श्री गणेश के साथ रहता है, मंगलकारी है श्री गणेश, तो पहले स्थान पे मंगल ग्रह। दूसरा स्थान ब्रह्मा जी के साथ में जो हमें ज्ञान देने वाला है बुध ग्रह, दूसरे स्थान पे नाभि से नीचे, नाभि में गुरु क्योंकि गुरुओं का स्थान है, हृदय में शुक्र तो कि आनंद देने वाला है, कंठ में शनि, श्री कृष्ण जी शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं या शनि श्री कृष्ण जी का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए उसका रंग सांवला है। मस्तक पे सूर्य, इसलिए आप सब लोग चंदन लगाते हैं या महिलाएं कुमकुम वाली बिंदी लगाती हैं, जो पूजा के आले में रखी होती है कुमकुम, उसको माथे पे लगाती हैं, क्योंकि ये हमारा स्थान विचारों का भी है। विचार बहुत तेजी से आते जाते हैं, दुखी करते हैं, इनको शांत करने के लिए चंदन या कुमकुम लगाया जाता है। और सर के ऊपर है चंद्र, क्योंकि शिव जी के सर के ऊपर क्या है, छोटा सा चंद्रमा है, तो ये सिर भी समझ लीजिए शिव का ही है,
ये शिव आपका और हमारा नहीं, साक्षात शिव का है, हम ही शिव हैं। तो यहां पे चंद्रमा ने अपना स्थान लिया है और दो ग्रह भी बाकी बचते हैं, जुपिटर एक इधर और एक इधर, जिन्हें जुपिटर और प्लूटो बोला जाए। वो वाली ग्रह दिशा खराब है, शनि की दृष्टि टेढ़ी है, कुछ जरूरत नहीं। जब आप सीधे सीधे योग में, सीधे सीधे ध्यान में होंगे और ऊपर से शक्ति आपके सर में आकर अपने अंदर सारे में जा रही होगी, तो आपके ग्रहों की चाल भी ठीक हो जाएगी, ये बात भी पक्की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने अध्ययन किया है जन्मपत्रियों का, थोड़ा बहुत शौक रखता था पहले, लेकिन जब इस योग में उतरा कुछ वर्ष पहले, तो मैंने देखा कि माँ निर्मला ने बताया कि बेटा ग्रह ठीक हो जाते हैं आपके। मैंने कहा अच्छा देखता हूं। मैंने सबसे पहले अपनी जन्मपत्री देखी, मेरी जन्मपत्री के मुताबिक जो उसमें घटनाक्रम लिखा था, तो मैंने अपना अनुभव किया कि जो उस जन्मपत्री में घटनाक्रम नकारात्मक था, बुरा था, वो बुरा ही नहीं हो पा रहा था। आश्चर्य, पंडित जी भी ताज्जुब करते थे कि तुम्हें तो ये मर जाना चाहिए था, जिंदा कैसे बच गए, तुम्हें तो चोट लगनी चाहिए थी, ये इतना खतरनाक स्थिति आनी चाहिए थी, पर नहीं आई, क्योंकि ग्रहों की चाल ठीक हो गई। ये इतना बड़ा योग है जो आज आपके इस गांव में घटित हो रहा है, आप सबके भीतर है। अभी ध्यान कराएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इसकी उपयोगिता, और इतना सरल है कि आप खेत में जाकर भी इसे कर सकते हैं, काम करते हुए कर सकते हैं, महिलाएं किचन में रहते हुए कर सकती हैं, कोई बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल इसे शामिल करने की जरूरत है। ग्रह ठीक हो जाते हैं 100%। सात सुर भी हमारे इन चक्रों से निकलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। सा श्री गणेश के स्थान से, रे ब्रह्मा जी के स्थान से, मा नाभि से, इस तरीके से सारे सातों के साथ सुर भी यहां से उत्पन्न हुए हैं। सात रंग भी इन्हीं चक्रों के कारण संसार में आए हैं, ये सात ही रंग के चक्र होते हैं। तो यानी कि सारी रचना इन्हीं 10-10 साल 20-20 साल पुराने रोग धीरे धीरे गायब होने लगे, भय खत्म हो गया, लोग डरे हुए डरते थे हमारा कुछ लूट ना जाए, खो ना जाए, लोग निडर हो गए। मन में परेशानी होती थी, मन में बहुत परेशानी रहती थी, झगड़ा रहता था आपस में लोगों का, नाराजगी रहती थी घरों में, परिवारों में, आपस में, पड़ोसियों में, धीरे धीरे वो नाराजगी खत्म हुई, प्रेम में परिवर्तित होने लगी। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लाते थे, घर में भी पिटाई खाते थे और टीचर भी पिटाई करते थे, बच्चे आपके लिए कह रहा हूं मैं, बच्चों के लिए। बालाजी भी ऐसे हैं जैसे डॉक्टर, बीमारी आई चले गए, फिर वापस आना पड़ा, फिर समस्या आई फिर जाना पड़ा, पर ये जो मां है गारंटेड हमेशा के लिए इलाज। बालाजी भी जाने की बार बार जरूरत नहीं, एक बार शरण में आए उसके बाद हमेशा के लिए मुक्त हो गए इन समस्याओं से, यह भी प्रमाणित है। यह योग आज दुनिया के 125 देशों में घटित हो रहा है, कितने मुसलमान लोग इसमें हैं, कितने सिख हैं, हिंदू तो हैं ही बहुत सारे, क्रिश्चियन पूरे विश्व में जब है तो कितने लोग इससे जुड़े होंगे। क्योंकि ये योग एक खास बात क्या है, पूरा वैज्ञानिक के विज्ञान के ऊपर आधारित है, मेडिकल साइंस के ऊपर है, डॉक्टर्स तक इसका हेल्प लेते हैं, डॉक्टर्स तक इसकी मदद लेते हैं, हम कितने हॉस्पिटल्स में जाके करा के आए हैं, कई डॉक्टर्स को सिखाया है, उनको लाभ हुआ है, वो पेशेंट को इतने जल्दी आराम हो जाता है, डॉक्टर्स को पहचानना आसान हो गया बीमारियों को, वरना आम हालत में क्या कहते हैं, एक कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर 10 मरीजों की दवाई एक साथ दे देते हैं, पता नहीं कौन सी धर्म नहीं है ये तो केवल ऐसे सुंदर मार्ग है जिसको जुड़ने के बाद आप आराम से आनंद से आप अपने ही जीवन को सुंदर बना सकते हैं। एक सोनीपत में गांव था, हम लोग वहां गए तो वहां इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, तो अगली बार भी उन्होंने कार्यक्रम रखा, जिन्होंने पहले रखा था उन्होंने फिर रखा प्रोग्राम। मैंने पूछा भैया कैसे रखा क्यों, बोले सच बात तो यह है, बड़ा आश्चर्य हुआ हमें सुन के, उन्होंने जो बताया कि हमारे यहां जब आप आए थे ये कार्यक्रम हुआ था तो हम उनके यहां खेती होती थी, उन्होंने कहा हमने हमारी फसल बहुत हो गई। भाई ये सच्ची घटना है क्योंकि मेरे सामने हुआ, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है आपको भी ऐसा लाभ हो जाए। तो सारे के सारे लाभ हमें इसमें मिले, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं इसमें इतना सा भी झूठ नहीं, इतनी सी भी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं, ये पूरा अनुभव है।
जो भी हम बोल रहे हैं बिल्कुल अनुभव पे आधारित है। जिन्होंने भी इसे अपनाया उन्होंने अपने अपने देवताओं का अनुभव किया, अपने अपने देवताओं को ऐसा महसूस किया जैसे वो देवताओं के साथ रहने लगे हैं या देवता उनके पास आ गए हैं, और उन सब की शक्तियां बढ़ी, उन सब के अंदर विश्वास बढ़ा, उन सब के अंदर प्रेम बढ़ा, उन सब के अंदर संतोष आया और झगड़े फसाद से मुक्ति मिली। तो क्यों ना इस सुंदर से योग को हम भी अपने अंदर घटित करें। दाई साइड की और मध्य की माई वाली नाड़ी चंद्र नाड़ी कहलाती है, दाई वाली नाड़ी सूर्य नाड़ी कहलाती है। बाई वाली नाड़ी पे महाकाली की शक्ति कार्य करती है, महाकाली, और महाकाली के साथ देने के लिए भैरवनाथ इस वाली नाड़ी पे घूमते हैं। जब मानव को बहुत दुख होता है, बहुत दुखी होता है, तो भैरवनाथ और महाकाली की शक्ति मिलके उसे अवसाद से बाहर निकालते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। दाई नाड़ी पे महासरस्वती, महासरस्वती सारे रसों को धारण करने वाली, संसार में या भगवान के जितने भी रस हैं, आनंद है, उन सब को धारण करने वाली सरस्वती की शक्ति दाई नाड़ी पे कार्य करती है, और उसका साथ देने के लिए श्री हनुमान जी उनका साथ देते हैं। श्री हनुमान जी नाभि में रहते हैं, जो भव सागर का घेरा है उसका इतना सा हिस्सा नाभि में इस नली का होता है, इतने से हिस्से में श्री हनुमान रहा करते हैं। श्री हनुमान नाभि के अंदर है, ये माने दिखाया, प्रमाणित किया। इसलिए मेरी उन लोगों से निवेदन है, क्षमा करें जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो लोग थोड़ा बहुत नशा करते हैं तो समझ लीजिए श्री हनुमान जी जब लोग इसमें आने लगते हैं तो ये चार तत्व जो हैं, चार जो समस्याएं चार प्रकार की धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और नाभि में बहुत से लोगों को नाभि की गड़बड़ होती है, किसी को कब्ज रहती है तो किसी को लूज मोशन लगे होते हैं, ये भी ठीक होने लगता है। हृदय चक्र, ये जो आपके आघात आता है हृदय पे, दिल का दौरा किसी भी कारण से आ सकता है, दुख में डूबने से भी आ सकता है, बहुत गुस्सा होने से भी आ सकता है, दिल को राहत मिलने लगती है। जो हृदय चक्र है वो शक्ति देने लगता है दिल को, हृदय अगर कमजोर हो गया है, अगर इसमें अटैक आने वाला है तो वो भी टलकर ठीक होने लगता है। मतलब जिस देवता के हाथ में जो हमारे शरीर के अंग है वो उन्हें ठीक करना शुरू कर देते हैं। और हम खराब क्यों होते हैं, ये मान लीजिए बाएं हृदय पे शिव और पार्वती बैठे हैं और दिल का दौरा कब पड़ेगा, बाई चांस हमारे को घृणा होने लगी, हम कहने लगे तू गरीब है हम अमीर है, हम अच्छे हैं तू खराब है, ये जो भेदभाव आने लगा तो ये शिवजी जी को पसंद नहीं, शिवजी जी का तो सारा संसार है। जब ये भेदभाव हमारे अंदर आता है तो शिवजी नाराज रहने लगते हैं, नाराज रहने के कारण हमें ये बीमारी देते हैं दिल की। स्वाधिष्ठान चक्र में ज्ञान है, वकील है कोई पेशे से, कोई डॉक्टर है पेशे से, यदि वो मरीजों के लिए इलाज करते हुए उल्टा सीधा पैसा मांगने लगता है, कसाई की तरह बर्ताव करता है, केवल पैसे कमाने का साधन करता है, तो डॉक्टर की ही किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि सरस्वती माँ नाराज है। सरस्वती माँ कहती है मैंने तुझे ये ज्ञान दिया डॉक्टरी का सेवा करने के लिए, तू कसाई बन के सबको नुकसान पहुंचा रहा है, चल तेरा हिस्सा मैं खत्म कर देती हूं क्योंकि मेरे अंडर में है ये। किडनी फेल, वकील और डॉक्टरों की किडनी फेल के चांस आपको ज्यादा मिलेंगे। और हम कैसे ठीक हो सकते हैं, तो इसका एक साधारण सा तरीका था, इस परमेश्वरी के साथ संबंध स्थापित करना। और जो कुंडली शक्ति है, कुंडली शक्ति जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी भगवती से, अपने शिव से, अपने देवता से कि हे देवता हमें योग दो, हमें आत्मा का ज्ञान दे दो, हमें आत्मा का साक्षात्कार दे दो, तो एक कुंडली शक्ति उठती है, उठ के सीधे यहां आ जाती है। और जब ये यहां आती है तब ये शक्ति ब्रह्मांड से शिव की शक्ति को धारण करती है, कुंडली शक्ति शिव की शक्ति को धारण करती है और उसकी सारी शक्ति को हमारे अंदर शरीर में भेजना शुरू कर देती है। और जब ये शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति, परमेश्वरी की शक्ति, आदि शक्ति की शक्ति हमारे सर से गुजरती हुई हमारे शरीर में रहने लगती है, तब जाकर हमें हमारे रोगों से मुक्ति मिलती है, तब जाकर हमारे मन में विकार खत्म होते हैं, तब जाकर हमारे मन में प्रेम फूटता है, तब जाकर हमारे मन में आनंद आता है। तो ये आप आज समझे कि हमारा ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में ये भी बता देता हूं, बाया हाथ ईड़ा नाड़ी का होता है, दाया हाथ कर्म का होता है।
बाएं हाथ लेने का होता है इच्छा का, दायां हाथ देने का होता है। दोनों हाथ हम इसलिए फैलाते हैं कि जो प्रेम की शक्ति है भगवान की बाएं हाथ से प्रवेश हो और हमारे सारे शरीर में घूमे और शक्ति हमारे दाहिने हाथ से निकल जाए। आपने देखा होगा सारे देवी देवता संत गुरु दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हैं, देखा है आपने। मध्यमार्गी है भारत के संत, मध्यमार्गी है यानी कि बीच वाली नाड़ी पे उनका चित रहता है, लक्ष्मी के साथ रहता है, इसलिए इसका प्रावधान नमस्कार। मुसलमान लोग ऐसे कॉर्निश करते हैं आज्ञा चक्र पे, क्योंकि यहां का ध्यान लगाते हैं। जापानी लोग हृदय पे हाथ रखते हैं, सायोनारा बोलते हैं, ये देवी का स्थान है। चाहे जापानी हो चाहे कोई भी हो, सब करते यही वाला काम है, हमारे अंदर की शक्तियों को जगाने का काम। हाथ रख के उसे जगाया जाता है, हाथ में शक्ति होती है। तो दोनों हाथ खोल लेंगे और आंखों को बंद कर लीजिए सारे बच्चे। अब मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट ना के आप कल्पना के जरिए अपने मध्य हृदय में अपने देवता को देखेंगे जिन्हें हम पूजते हैं। और कौन से स्थान पे श्री हनुमान जी ने जब अपना सीना चीर के दिखाया था तो जिस स्थान पे श्री राम बैठे थे उसी स्थान को हम बंद आंखों से देखेंगे और हृदय में प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु न जाने कितने जन्मों से, न जाने कितने काल से हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हे श्री राम, हे श्री गणेश, हे हनुमान जी, हे कृष्ण जी, हे भगवती माँ, जिस रूप में भी आप हम जो है आपको पूजते हैं, हमारी आज आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है प्रभु, हमारे हृदय में आओ, आओ हमारे हृदय में प्रभु, हमारे हृदय में जागो। हम बच्चे न जाने कितने युगों से आपसे बिछड़े हैं, न जाने कितने युग से आपसे बिछड़े हैं, न जाने कितने प्रकार का कष्ट सहते हैं हम, न जाने कितनी पीड़ाओं से हम गुजरते हैं। आज तो प्रभु इस पल इस घड़ी इस काल में हमारे हृदय में आओ, आओ हृदय में हमारे, आओ हमारे हृदय में प्रभु। एक मिनट के लिए अपने प्रभु को अपने हृदय में देखेंगे, दर्शन करेंगे अपने प्रभु के अंदर। और अब दूसरे चरण में अपने मन को हम आकाश में ले जाएंगे, बंद आंखों से हम आकाश को देखेंगे, बंद आंखों से हम आकाश की कल्पना करेंगे, नीला या काला आकाश। इस वक्त रात्रि है, काला आकाश ही देख लीजिए और देखिए आंख बंद करके, बंद कर आंखों से देखिए इस आकाश को, सुंदर सुंदर चांद तारों को, सूर्य को बंद आंखों से देखिए, झिलमिलाते तारों को देखिए और इस झिलमिलाते तारों के बीच में अपने प्रभु को देखिए, अपने ईश्वर को देखिए, अपनी देवी मां को देखिए, श्री हनुमान को देखिए, श्री गणेश को देखिए, श्री कृष्ण को देखिए, श्री राम को देखिए, काली मां को देखिए, सरस्वती को देखिए, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, बंद आंखों से उन्हें देखिए, दो मिनट के लिए देखिए और फिर देखिए उनके सुंदर सुंदर श्री चरणों को, श्री चरण जहां हमारे सारे संसार की खुशियां हैं इन श्री चरणों में। जब हम हृदय से श्रद्धा से मंदिर में जाकर भी इन श्री चरणों में मत्था टेकते हैं तो हमारा हृदय क्या उठता है, हे प्रभु अब हम सुरक्षित हैं, अब हम तेरी सुरक्षा घेरे में हैं, अब सारी तकलीफें हमने तेरे चरणों में डाल दी हैं, अब अपनी सारी कमाई को तेरे चरणों में डाल दिया है, हमें संरक्षण दे प्रभु, तेरे चरणों में हम नतमस्तक हैं। इस काले आकाश में इन चार तारों के बीच में अपने प्रभु के श्री चरणों को देख रहे हैं हम और महसूस करेंगे उन सुंदर सुंदर श्री चरणों से कुछ अमृत की धाराएं, उनकी दसों उंगलियों से अमृत की धाराएं बहने लगी हैं, फूट गई हैं अमृत की धाराएं और जो सीधे गिर रही हैं हमारे सर के ऊपर, हमारे मस्तक के ऊपर वो सारी धाराएं गिर रही हैं। लगातार अपने श्री चरणों से उनकी गिरती हुई धाराओं का हम आनंद ले रहे हैं। हमारे सर में एक हलचल सी है, हमारा मन अब सर के ऊपर आया है, हमारा चित्त अब अपने ही सर के ऊपर है और हम महसूस कर रहे हैं उन चरणों से गिरने वाली धाराओं को जो गिरती जा रही हैं, हमें डुबोती जा रही हैं,
हमें डुबोती जा रही हैं और इनका रिश्ता हुआ जल, इन अमृत धाराओं का रिश्ता हुआ जल हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने हृदय में। हृदय हृदय नहीं, मानो एक कुंड है। भैया वहां जो बोल रहे हैं कृपया बंद कर दीजिए, यह ध्यान हो रहा है, आप लगातार बातें कर रहे हैं, प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान में डिस्टर्बेंस हो रहा है सबके। उघिरती हुई धाराएं हमारे हृदय में संचित हो रही हैं, हृदय में संचित हो रही हैं वो सारी धाराएं। हृदय मानो एक कुंड है, एक सरोवर है उन अमृत धाराओं का, उन अमृत धाराओं का सरोवर है हृदय हमारा। और ये शक्ति का स्थान है, ये देवी मां का स्थान है। और जो प्रभु का प्रेम उनके श्री चरणों से आ रहा है हमारे हृदय में इकट्ठा हो रहा है, और हृदय में एक आनंद है, हृदय में एक हलचल है, हृदय में एक शीतलता है, हृदय में कुछ प्रेम सा फूटा है। मन निर्विचार है, मन की कोई आशंका नहीं है, मन में शांति है, सर के ऊपर एक शीतलता है, सर के ऊपर एक हलचल है। जो गिरती धाराएं हैं वो हमारे सर को भी भिगो रही हैं, हमारे हृदय में आनंद भर रही हैं। हम डूबते जा रहे हैं इसी आनंद में, हम डूबते जा रहे हैं इसी आनंद में। हम महसूस कर रहे हैं हमारे प्रभु हमारे हृदय में आ रहे हैं, धाराएं बन के आ रहे हैं। हमारे सदगुरु अनंत गुरु सूक्ष्म धाराओं में आकर हमारे हृदय में आ रहे हैं, हमें ज्ञान देते जा रहे हैं। ऐसा ही अनुभव हमें हो रहा है, हम शांत हैं, हम शांत होते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं सब कुछ। धीरे धीरे हमारा मन प्रेम में प्रभु के डूबता जा रहा है, मानो मन हृदय के सरोवर में स्नान कर रहा है और कह रहा है ये कैसे विलक्षण समय आया है। हमारे मन में इतनी शांति, हमारे मन में इतनी स्थिरता, प्रभु तुम हमारे हृदय में आए, हमें आनंद दिया, हमें प्रेम दिया, हमें अपना सानिध्य दिया, हमें अपना आश्वासन दिया। प्रभु हम खो से गए हैं, हमारी आत्मा में एक आनंद है। प्रभु हम तो एक आत्मा है, हम तो केवल एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम तो केवल एक आत्मा है, तेरी आत्मा जो तेरा अंश है। न जाने कितने युग से अलग है तेरे से, हमारी पीड़ा है, तेरे से मिलने की पीड़ा है, तेरे से जुड़ने की पीड़ा है, तेरे में समाने की पीड़ा है। प्रभु आज हमें अपना बना ले, आज हम तेरे हो जाएं, तेरा तुझको अर्पण। जो तूने हमें घर दिया, जो तूने हमें धन दिया, जो तूने हमें साधन दिए, सब कुछ तेरे श्री चरणों में निछावर है। प्रभु ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, समस्त इंद्रियां हमारी तेरी हो गई, हम कुछ भी ना रहे, हम कुछ भी ना रहे, हम तो बस तेरे हो गए। हमारा ये नया जीवन हुआ, प्रभु हमें आत्मा का साक्षात्कार दे। हे श्री गणेश जी, हमारी मां कुंडली को उठाओ जो युगों युगों से सोई है, न जाने कितनी जन्मों से प्रतीक्षा करती है हमारी कुंडली मां। आओ प्रभु जगाओ, हे श्री गणेश जगाओ हमारी कुंडली मां को। हे मां आदि शक्ति, हे समस्त देवगणों की मां आदि शक्ति, हमें आत्मा का साक्षात्कार दीजिए, हमें अपना अनुभव दीजिए, हमें अपनी अनुभूति दीजिए, हमें भुला दीजिए सब कुछ, हमें निर्विचार कर दीजिए, हमें निर्विचार कर दीजिए, हमें शून्य कर दो, हमें शून्य कर दो, हमें शून्य कर दो, हमें अपने साम्राज्य में ले जाओ, हमें अपने भगवान के साम्राज्य में ले जाओ, हमें उनकी गोद में बैठाओ। माँ हे माँ आओ, माँ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ, मेरे रोम रोम में आओ, मेरी समस्त ज्ञानेंद्रियों में आओ। आओ माँ, आओ माँ, मुझे निर्विचार कर दो, मुझे ध्यान में ले जाओ माँ, मुझे ध्यान में ले जाओ, मुझे अपने ध्यान में ले जाओ, मुझे शांति दो, मुझे सुकून दो, मुझे संतोष दो माँ, मुझे जागृति दो, मुझे आत्मा का साक्षात्कार दो।
मेरे हृदय में आनंद दो, मेरे हृदय को अपना सिंहासन बनाओ माँ, मेरे हृदय में रहो, मेरे हृदय में रहो, आओ माँ आओ आओ। बिल्कुल शांत इसी अवस्था में हम ध्यान में रहेंगे, महसूस करते रहेंगे कि माँ के चरणों से एक गंगा की धारा सर के ऊपर गिर रही है और जिसका जल धीरे धीरे हमारे अंतर मन में, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में इकट्ठा हो रहा है। हम इसी चैतन्य धारा में डूबे हैं, हमारा मन इसी आनंद में डूबा है, हम ध्यान में हैं, हम ध्यान की समाधि में हैं। हम कौन हैं? हम तो स्वयं शिव हैं, हम शिव हैं, हम ब्रह्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। शांत होके इसी ध्यान अवस्था में रहें और जो भी आपके देव जीवन इस चीज का अफसोस आ रहा है महसूस कीजिए। कोई करेगा नहीं, आप घुमाओ, ये केवल एहसास दिलाने के लिए आ रही है। ये भगवान बेटे बैठ जा, अच्छी बात है। तो आपको खुशकिस्मती है आप सबकी, ये हलचल आई। मन आकाश में रहे और पूजा यहाँ धरती पे करते रहे, इससे क्या लाभ होगा? वो जो देवी देवता पिताजी का चिंतन कर रहे हैं, वो समस्या उनके चरणों में समर्पित कर दें तो आप भी उस समस्या से निजात पा जाएंगे। कीजिए यहाँ या उनके प्रकाश जी के घर पर या जहां भी आपको सुविधा हो, मामा जी बतला देंगे कि कोई भी एक दिन निश्चित कर लीजिए रविवार को शाम। इसी के कारण से परमात्मा ने, चूंकि परमात्मा के अंदर थी वो समस्त चेतनाएं और परमात्मा उन चेतनाओं के अंदर की इच्छा को जानते थे, उनकी जिज्ञासा को पहचानते थे, इसी कारण परमात्मा ने अपने उन्हीं कणों को, उन्हीं अंशों को आत्मा का नाम देकर संसार में उतारा और संसार में उतार कर उनको ऐसी ऐसी अवस्थाओं से गुजारा जिसमें उनको कष्ट की अनुभूति हुई। जब उन्हें कष्ट की अनुभूति हुई तब उनके अंदर फिर पुनर्स्मृत हुई उसकी अंदरूनी इच्छा। जब धरती पे आए तो परमात्मा ने पहली भी दी कि जब तुम धरती पे आओगे तो मुझे भूलना ही होगा, मुझे भूल जाओगे। ये धरती पे आने का एक नियम है। एक साधारण मानव यदि धरती पर आएगा तो परमात्मा को सबसे पहले विस्मृत करेगा, ये व्यवस्था ही डाली है।
जब बच्चे का गर्भ से जन्म होता है तो उस नाड़ी को ही काट दिया जाता है जिससे परमात्मा का पता चलता है। इस विस्मृति को स्मृति में परिवर्तित करने के लिए इस संसार में परमात्मा ने दुख का निर्माण किया। दुख की उत्पत्ति कैसे हुई यदि हम जान जाएं कि दुख उत्पन्न कैसे हुआ तो हम ये भी जान जाएंगे इसका मूल निवारण क्या है, क्यों दुख आ रहा है। यदि हम दुख का कारण जान जाएं और सुख का कारण जान जाएं तो यकीनन आप सुख और दुख से निवृत्त हो जाएंगे, चित्त हट जाएगा वहां से। तो ये तो हमने बताया आपको जवानी से अधेड़ अवस्था और अधेड़ अवस्था से अंततः बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद इस शरीर का समापन, पंच तत्वों का के अंदर इस शरीर का मिल जाना। ऐसा घटना घटित हुई, चेतना पुनः ईश्वर के पास गई, तब उसने फिर ईश्वर को जाना, फिर ईश्वर से उसने कहा कि ये क्या घटना करूं हुआ, अब मुझे बताओ। ईश्वर ने फिर उसे जिज्ञासा हुई, ईश्वर ने फिर उसे धरती पर भेजा, अब की बार उस धरती के क्षेत्र में ना भेजकर दूसरे क्षेत्र में भेजा। मान लीजिए पूर्व दिशा में उसका पहले जन्म हुआ था, अब की बार पश्चिम दिशा में भेजा। आंखें खोली तो दृश्य बदले हुए थे, हुई डर आया उसके अंदर, वो पुराना दृश्य कहां है, मुझे तो वो ही चाहिए, वो साथी कहां है। दुख की उत्पत्ति हुई क्रम के साथ, पूर्व धरती के उस हिस्से के साथ रहने की इच्छा पीड़ा में परिवर्तित हो गई। यहीं से अधूरापन शुरू हो गया, यहां से अतृप्ति का निर्माण हुआ, यहां से मानव के अधूरेपन की शुरुआत हुई, अपूर्णता। तब से लेके आज तक मानव न जाने कितने योनियों में गया पर अतृप्ति उसकी ना हटी, इसलिए बार बार जन्म होता रहा। अपूर्णता की अनुभूति, उसने चोरी जैसा कार्य किया क्योंकि वो वही चाहता था, उसकी मजबूरी ये थी। अब मानव की अपूर्णता की स्थिति समाप्त नहीं होती थी, इसीलिए मानव सदा पूर्णता की ओर जाना चाहता है। अपूर्णता, कोई आदमी साइकिल चलाता है तो सोचता है स्कूटर होता तो कितना अच्छा होता, अधूरापन साइकिल चलाने का, स्कूटर के रूप में पूर्ण इकट्ठा कर करके उस पूर्णता की अनुभूति, आनंद और सुख को पाना चाहता है। और अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिकता में अपनी पीड़ा को पीड़ित होकर अंदर कहीं अपने अंतर्मन में ईश्वर को भी पुकारता है, अरे तुम हो कौन, कौन हो जो इस संसार को चलाने वाले हो, अगर तुम जो भी कोई हो तुमने मुझे जन्म दिया, भाई मेरी समस्याओं का निवारण करो। बिना बोले उसके अंदर ये पीड़ा की पुकार चलती है। अब परमात्मा जानते ही है कि मानव को अंततः मुझे पुकारना ही था, पुकारना ही था। भौतिकता की स्थितियों से गुजरता हुआ मानव, एक एक करके सारे साधनों को इकट्ठा करता हुआ मानव, उस साधन को जो इसने इकट्ठा किया कुछ ही दिन में फिर अधूरापन आ जाता है। कुछ दिन तो उस चीज का आनंद रहता है, उसके बाद फिर अधूरापन। तो ये जो यात्रा है हमारे अंतर जगत की, इस यात्रा का अंत कहाँ होता है, अरे भैया कौन हो, अदृश्य शक्ति भगवती पिता कौन हो भाई तुम, हमें तो अपने से जोड़ लो, कहाँ फंस गए, कहाँ फंसा दिया है तुमने हमें, निकालो हमें इससे बाहर से। जब ये पुकार हृदय से सत्य रूप में घटित होती है तो उस पुकार के परिणाम के स्वरूप एक दिन वो सदमार्ग मिलता है जिस मार्ग के माध्यम से मानव उस ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही घटनाक्रम हम सब के साथ हुआ। तो सुबह उठो तो फिर टेंशन में उठो, कितना सुंदर सा समय है, आई होती और इतना प्रेम भी ना होता, इतना आनंद भी ना होता और हमारा इतना सा परिवार इतने बड़े परिवार में ना बना होता। परिवार बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है और इस प्रेम के बढ़ते के साथ शैतानों को भी रश आया है, शैतानों को भी बड़ी एलर्जी सी होने लगी। ये क्या मानवों में प्रेम, चलो अभी मिटाते हैं, उन्हों अपना साम्राज्य बनाने की चिंता है, भाई तुम तो कहीं रहोगे नहीं। अब ऐसे अगर साधक प्रेम में रहने लग गए तो तुम्हारा क्या होगा भैया, वो भी कोशिश करते रहते हैं उकसाने की, हमारे ही भीतर में इतनी सारी कमियां हैं उनको ही उभार उभार के लाते रहते हैं, उनका और कोई काम नहीं शैतानों का, शैतानों की कोई ताकत नहीं है, शैतान बिल्कुल कमजोर।
तुमने क्या बवाल मेरे अंदर डाला है भैया, सब तुम्हारा, अपना कुछ नहीं है। और जैसे ही माँ यही चाहती थी, ये मैं जब भी साधक भयानक पीड़ा में गुजर रहा होता है, बहुत पेन में होता है, बहुत पीड़ा में होता है, तो जागरूक हो, इतनी बड़ी शक्ति है इस सारे घटनाक्रम में, सारे पीड़ा में, सारे दुखों में। इसीलिए हमको आंतरिक निरीक्षण करते रहना चाहिए, विश्लेषण करते रहना चाहिए कि जो हमारे द्वारे पे आया है, चाहे योगी आया है, चाहे वो भ्रष्ट आया है, उससे उसके गुण लेके उसे विदा कर दो। संसार में जो चीज हमारे को मिल रही है वो आप परमात्मा की इच्छा से रही है, चाहे हम उसे नकारात्मक माने चाहे सकारात्मक माने। तो जागरूक होके अपने मतलब की चीज उससे ग्रहण कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जैसे कि सारस दूध पानी को मिला दो तो पानी में से दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसी एक माँ का सच्चा बच्चा साधक है, जो इस पूरे जगत में स्थित जो अच्छाइयां हैं उनको वो सहस्त्रार से ग्रहण कर लेगा, और बाकी सारी जो खराब चीजें उसमें आएंगी वो सब सहस्त्रार के ऊपर रह जाएंगी, अंदर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि सहस्त्रार एक छननी है, चाय छानने की छननी। जब हम चाय छानते हैं तो द्रव्य द्रव्य हमारे कप के अंदर आता है, लेकिन छननी चाय के जो मोटे मोटी लीड्स हैं वो बाहर ही रह जाती हैं, उस अंदर नहीं आती। इसी प्रकार से जो भी जीवन हम जिए, जो भी कार्य करें, या फोटो ले जाओ, फ्रेम व्रेम कराओ, ऐसे गंगा जल से है बच्चों, छांट लिया, अब छांट के अपने शस्त्रार से एक धारा को ऊपर ही ऊपर दूसरे के शस्त्रार में पहुंचाइए। पहुंचा दिया, हाँ ना करते रहो ना, मुझे आगे बढ़ते में आसानी होगी। पहुंचाया, अब अपने शस्त्रार में देखिए कि जब आपने किसी के शस्त्रार देखी जिसमें पंच तत्व और ग्रह नक्षत्र और हम लोग भी शामिल है, अपेक्षा रखती है हमसे सीमा, केवल एक कार्य की मदद चाहती है हम सबसे, केवल सृष्टि चलाने की। इतने प्रेम से बनाई सृष्टि को कैसे वे अकेले चलाएंगी, जब तक के हम सबके शस्त्रारों पर मां कुंडली नहीं लहराएंगी। शस्त्रार को हवन कुंड बनाकर मां कुंडलिनी को ज्वाला बनाया है, शस्त्रार को हवन कुंड बनाकर मां कुंडलिनी को ज्वाला बनाया है, अनेकों जन्मों के संचित विचारों को आहुति का जामा पहनाया है, देकर हमें अपने 1008 नामों को हर विचारों से हमें मुक्त कराया है। करता रहता था कुछ कुछ बहुत पहले, अब अजीब से अकर्म में आ गया हूं मैं। करता रहता था कुछ कुछ बहुत पहले, उसे कर्तव्य मान लेता हूं, जो भी देती है मुझे उसे कर्तव्य मान लेता हूं, निभाकर समस्त कर्तव्यों को हटने से हर कर्तव्यों से मुक्त हो गया हूं मैं, हर कर्तव्यों से मुक्त हो गया हूं मैं। कर्म नहीं है, नित्य स्वयं को खोजना ही कर्म है, भ्रम नहीं है। कुंडली उठाना भी कर्तव्य है, कर्म नहीं है। स्वयं को नित्य खोजना ही कर्म है, भ्रम नहीं है। ऐसे ही अनूठे कार्य को